अनेक समय ऐसा होता है, बहुत समय कि भक्त को भगवान रक्षा नहीं करते जब एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे में भक्त को तो भगवान को हर समय रक्षा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, भगवान का अर्थ समझना चाहिए। भगवान को अपने बराबर या अपने से छोटा नहीं मानना चाहिए। भगवान हर दृष्टि से बड़े हैं। भगवान को कह देना कि वो रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना दृष्टि अपना रहे हैं ना। भगवान एक्सीडेंट में किसी को घायल होने से नहीं बचा रहे हैं, तो इतना उसे नहीं कहा जा सकता कि रक्षा नहीं कर रहे। उसका ऐसा ऐसा कर्म है कि और घातक चीज हो सकता था, लेकिन भगवान उसको छोटा करके दे रहे हैं। भगवान रक्षा जरूर करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं, लेकिन वे अपनी योजना के अनुसार रक्षा करेंगे। आपके बुद्धि के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार वो रक्षा करें, यह कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन आपके अंडरशिप में होकर के, आपके अधीन होकर के रक्षा नहीं करेंगे। उनकी अपनी इच्छा है, अपना स्टैंडर्ड है, अपनी दृष्टि है। और जो भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा तो उसके वे रक्षा करते हैं। अब रक्षा करने का क्या उनका विधि है, क्या उनकी योजना है, साधारण व्यक्ति क्या विद्वान व्यक्ति भी उसको नहीं समझ पाता है। भगवान की योजना तो भगवान जानते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और जो भी वे कर रहे हैं उसी में हमको मंगल विधान सोचना चाहिए। भगवान मंगल के लिए ही कर रहे हैं, ये कई एक ढंग से लोग प्रश्न कर देते हैं। यहाँ संसार में लोग दुख भोग रहे हैं और भगवान उसको सह रहे हैं, ये भगवान दुख क्यों दे रहे हैं? अरे भगवान दुख दे रहे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही। एक बार पहले ही यही टीवी वाले ही पूछे थे मुंबई में कि भगवान करुणा वाले हैं, संसार को दुख क्यों देते हैं? हम दुख देख रहे हैं, भगवान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये हमको सच्चा ज्ञान नहीं है। देखिए, माँ के हृदय में अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह है, और कभी कभी देखा जाता है कि माँ उसके फोड़े के घाव को चिरती है, फाड़ती है, वो चिल्ला रहा है। कोई बगल से जाए तो उसको यही फीलिंग होगा कि कितना निर्दयी है वो लड़का, उतना रो रहा है और वो घाव दबाए जा रही है। तो ऐसा कैलकुलेशन कोई दे सकता है, लेकिन वह कैलकुलेशन ठीक नहीं है। माँ के हृदय में दया है, दया से, स्नेह से वो चालित हो करके और बच्चे के फोड़ा को फोड़ रही है। बच्चा रो रहा है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वो बच्चे की रक्षा नहीं कर रही है। उसी से मंगल होगा। तो अपने कर्म फल का पहले एक वो क्या कहते हैं, ये बड़ा इकोनॉमिक्स में चलता है, ऑडिट करा लीजिए। अपने कर्म फल का पहले ऑडिट करा करके उसका ऑडिट रिपोर्ट ले करके अब तब मिलान कीजिए कि भगवान रक्षा किए कि नहीं किए। बिना कर्म के ऑडिट का ऐसे ही निर्णय दे देना, यह ठीक नहीं है। भगवान रक्षा करते हैं, अपने दृष्टि से रक्षा करेंगे। कहाँ उचित है, कौन कार्य, वे जानते हैं। आपके बुद्धि के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे।
बहुत सुंदर महाराज, जो एग्जाम्पल के माध्यम से जो हम सबको समझाए कि भगवान रक्षा करते हैं हर परिस्थिति में, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल फोड़ा का उदाहरण दिया महाराज, एक बच्चा को फोड़ा होता है, लेकिन माँ क्या करते हैं, फोड़ा को वो टीप मारते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, और बच्चे को और दर्द होता है। लेकिन बच्चा सोच रहे मेरी माँ मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। तो उसी तरह भगवान भी हम लोग को कभी कभी दुखमय परिस्थिति में डालते हैं, और हम लोगों को लगता है कि भगवान हमें क्यों नहीं रक्षा। तो इसीलिए हमारा जो थिंकिंग है, भगवान हमारे गुलाम नहीं है कि हम लोग जो सोचे वही होगा। हम लोग भगवान के गुलाम हैं। हम तो समय की बात है, नहीं तो एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि एक राजा थे और उनका मंत्री था, बड़ा प्रिय मंत्री था, हमेशा साथ में रखते थे। लेकिन मंत्री के स्वभाव में था कि कोई घटना होती थी तो बोलता था बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। एक दिन वो राजा के साथ जा रहा था, राजा अपने राजकीय ठाट में थे, वो मंत्री बहुत प्रिय था, अपने रथ पर रखते थे, लेकिन और लोग भी थे, राजा का तो अपना ठाट होता है। वो जंगल में जा रहे थे, कहीं रथ पर बैठे बैठे उनकी उंगली कट गई। वो मंत्री बोला बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। हम तो राजा को बहुत बुरा लगा। राजा लोगों का विश्वास नहीं होता है कब बदल जाएंगे। बहुत प्रिय मंत्री था, बहुत सम्मान देते थे, लेकिन एक वाक्य सुनकर हमारी उंगली कट रही है और यह कह रहा है कि बहुत अच्छा भगवान की कृपा है, तुरंत उसको सस्पेंड किया। सस्पेंड ही नहीं, कहे कि इसको जेल में डाल दो। राजा का पावर होता है तो आर्डर किए कि इसको जेल में डाल दो। तो उस समय भी कहा कि बहुत अच्छा भगवान की कृपा है, और राजा का ऑर्डर हुआ, जेल में डाल दिए। अब राजा अकेले रथ पर चलने लगा। आगे गया तो दस्युओं का समुदाय था, और राजा को पकड़ लिए। वो लोग बलि देना चाहते थे, उग्रवादियों के आगे अफसर लोग भी कमजोर हो जाते हैं। तो बलि देने के लिए राजा को एकदम पकड़ लिए। वहाँ गए तो देखे कि इसका तो उंगली कटा हुआ है। बलि का नियम है कि अंग भंग है तो उसको नहीं बलि देते, तब उसको छोड़ दिए। अब छोड़ दिए तब उसको रियलाइज हुआ कि हमारा मंत्री कहा था कि बहुत अच्छा भगवान की कृपा है, वास्तव में उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाती। तो आपात दृष्टि से देखने पर तो उंगली कट रहे, भगवान दुख दे रहे हैं, उंगली काट करके भगवान गर्दन की रक्षा की। अब वो खुश हुआ, राजा को बुलाया, मंत्री को, आके हमको बात समझ में आ गई। लेकिन फिर वो प्रश्न किया, तुमको जेल में डाला उसको कहा कि तुम बहुत अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा। अब मंत्री कहा कि अरे आपका तो उंगली कटी थी, आपको छोड़ दिया, और हमारी तो उंगली नहीं कटी थी ना, हम होते तो हमको बलि दे देता, तो हमको तो जेल में डाल करके भगवान हमारी रक्षा कर लिए ना। तो भगवान कैसे रक्षा करते हैं, वो उनकी अपनी योजना है। आपके योजना के अनुसार भगवान चलें यह कोई जरूरी नहीं है। अरे बहुत सुंदर महाराज, इतना सुंदर, एक प्रेरणादायक रोचक घटना से हम सबको प्रेरित किए। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान, जो भगवान का भक्त होता है, जो उनके शरणागत होते हैं, वो जो भी करेंगे भगवान उनके लिए वो परम मंगल। इसी के साथ उनको फील करना, कुंती महारानी जैसे कि जो भी दुख हो सुख हो, तो महाराज एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को समझाएं।